संसार ग्रीन में सुस्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कटिंग से आप कौन से खूबसूरत पौधे लगा सकते हैं। हमने 10 ऐसे चुनिंदा पौधों की लिस्ट तैयार की है जो कटिंग से आसानी से लगते हैं और हाउस प्लांट के तौर पर आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और भी वीडियोज के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। पर्पल हार्ट या वन कलमी, यह पौधे अपने खूबसूरत आकर्षक रंग के लिए जाने जाते हैं। इनकी कटिंग लगती है 2 से 3 इंच की कटिंग को आप मिट्टी में लगा दें, जड़ें आसानी से आती हैं। पर्पल हार्ट को कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। इसे ग्राउंड कवर के तौर पर लगाया जाता है या फिर हैंगिंग पॉट में भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले पौधे हैं। इनमें छोटे छोटे गुलाबी फूल भी खिलते हैं और इन्हें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर कंपोस्ट वाली मिट्टी में इन्हें लगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। डेफिनबेचिया या डम्ब केन, इनकी भी कटिंग ही लगती है। आप चाहें तो 4 से 5 इंच की कटिंग मिट्टी में सीधे लगा दें या फिर 2 से 3 हफ्ते के लिए कटिंग को पानी में डाल दें, जड़ें आ जाएंगी। डेफिनबेचिया खूबसूरत हाउस प्लांट होते हैं। इनके पत्ते काफ़ी बड़े और आकर्षक होते हैं। यह शेड लविंग प्लांट है। इनकी 20 से ज़्यादा जातियाँ हैं। इन्हें भी ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट हैं और गमले में भी बड़ी आसानी से लग जाते हैं। ध्यान रखें, डम्ब केन को धूप कतई पसंद नहीं है। शिंगोनियम या एरोहेड प्लांट, इनकी भी कटिंग ही लगती है। शिंगोनियम की कटिंग को पानी में या मिट्टी में, दोनों में ही आसानी से लगाया जा सकता है। यह फोटोज की ही एक वैरायटी है, यानी मनी प्लांट की फैमिली का पौधा है। इन्हें भी इंडोर प्लांट के तौर पर गमले में लगाया जाता है। हालांकि यह पानी में भी सर्वाइव करते हैं और वेल ग्रो करते हैं। यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो आपके घर के इंटीरियर को खूबसूरत बनाता है। कॉर्डिलाइन या गुडलक प्लांट, सौभाग्य से जुड़े हुए इन पौधों की भी कटिंग लगाई जाती है। इनकी 4 से 5 इंच की कटिंग को आप सीधे मिट्टी में लगाइए या फिर कोकोपिट में लगाकर 2 से 3 हफ्ते के लिए रख दीजिए। इन पौधों में जड़ें जल्दी आती हैं। ये पार्शियल शेड में खूबसूरत दिखते हैं। इनके पत्तों का रंग ज़्यादा आकर्षक दिखता है। आप किसी भी मौसम में इनकी कटिंग लगा सकते हैं, पर बरसात के मौसम में लगाई गई कटिंग में जड़ें जल्दी आती हैं। ड्रेसिना सैंडरियाना या लकी बैम्बू, बांस भी इन्हें कहते हैं, यह भी पौधे कटिंग से लगते हैं और इन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इनका नाम जरूर लकी बैम्बू है, पर यह बांस है ही नहीं। यह एस्पेरेगेसी कुल के पौधे हैं। आप इन्हें पानी या मिट्टी किसी में भी लगा सकते हैं, बस इन्हें सीधी धूप पसंद नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। क्रिसमस कैक्टस, कटिंग से यह बड़ी आसानी से लगते हैं। बस 5-6 इंच की कटिंग को मिट्टी में लगा देना भर होता है, कुछ हफ्ते में जड़ें आ जाती हैं। इन्हें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही पानी डालें। ज़्यादा और लगातार पानी देने से इनमें फूल कभी नहीं आएंगे। फूलों के खिल चुकने के बाद इनको फर्टिलाइज करना जरूरी होता है। चाहें तो ऑर्गेनिक खाद डालें या फिर रासायनिक खाद भी आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट, पूरी दुनिया में यह इसी नाम से जाने जाते हैं और इनकी सिर्फ कटिंग ही लगती है। फल, फूल या बीज तो इनमें होते ही नहीं हैं। यह बेस्ट इंडोर प्लांट के तौर पर जाने जाते हैं। आसानी से बिना मिट्टी के भी ग्रो कर जाते हैं। आप इन्हें मिट्टी या फिर पानी दोनों में ही लगा सकते हैं। ये हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं। अगर सही देखभाल करें तो 30 से 40 फुट तक इनकी ग्रो होती है। यूफोबिया मिली या यीशु का ताज, इनकी भी कटिंग ही लगाई जाती है। वैसे तो यह कैक्टस की ही एक वैरायटी है, पर इनकी कांटेदार डालियों में लाल, गुलाबी, पीले आदि रंग के आकर्षक फूल भी गुच्छों में खिलते हैं। यह कैक्टस है तो जाहिर सी बात है हीट टॉलरेंट भी है। ज़्यादा पानी इनमें मत डालिए। यह इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट्स के तौर पर लगाए जाते हैं। देखने में खूबसूरत होते हैं। रबर प्लांट या फिकस एलास्टिका, इनके पौधे भी कटिंग से ही लगाए जाते हैं। यह आउटडोर या इंडोर दोनों ही प्लांट के तौर पर लगाए जाते हैं। रबर प्लांट फिकस की एक वैरायटी है। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
पत्ते इनके काफ़ी मोटे होते हैं और देखने में चमकदार आकर्षक दिखते हैं। वैसे तो इनके बड़े पेड़ होते हैं, पर इन्हें इनकी खूबसूरती के कारण गमलों में लगाया जाता है। फिकस बेंजामिना, इन्हें गोल्ड फिग या पुकर या नांद्रुक नामों से भी जाना जाता है। इनकी भी कटिंग ही लगती है। यह एक तरह के सदाबहार पेड़ हैं, यानी कि इनके पत्ते पतझड़ में भी नहीं गिरते हैं। इनमें फूल कभी नहीं आते, तो जाहिर सी बात है फल और बीज भी नहीं आएंगे। इन्हें इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट के तौर पर लगाया जाता है। इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये बड़े आकार के पेड़ होते हैं, पर इन्हें काट छाट कर छोटा भी रखा जा सकता है, गमलों में लगाया जा सकता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी और ये पौधे आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।